हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं शुभम और आज की वीडियो में दोस्तों हम कैनन EOS 1500D की कुछ वीडियो सेटिंग्स देखने वाले हैं। मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा दोस्तों और साथ ही साथ मैं आपको कुछ 1855 लेंस के साथ वीडियो सैंपल्स भी बताने वाला हूं। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस, मैं कैमरा कर लेता हूं ऑन और सबसे पहले मुझे यहां पे वीडियो मोड में कैमरा सेट कर लेना होगा। गाइस, ये रहा वीडियो मोड और उसके बाद गाइस हमें सिंपली मेनू बटन प्रेस करना है। गाइस, आप देख सकते हो मेनू में यहां पे बहुत से ऑप्शन वीडियो के आ जाएंगे। सबसे पहले ऑप्शन है मूवी एक्सपोजर। मूवी एक्सपोजर में जाने के बाद हमें यहां पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे, ऑटो और मैनुअल। अगर हम मूवी एक्सपोजर ऑटो पे सेट करते हैं दोस्तों, तो कैमरा ISO हो या फिर एक्सपोजर हो या फिर अपर्चर, दोनों खुद ही सेट कर लेगा। हमें कुछ भी सेट करने की जरूरत नहीं होगी। डेलाइट के हिसाब से कैमरा अपने आप वो सारी सेटिंग्स सेट कर लेगा। पर अगर हम मैनुअल पे सेट करते हैं तो खुद गाइज हम यहाँ पे सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे कि हम ISO बढ़ा सकते हैं, अपर्चर बढ़ा सकते हैं और शटर स्पीड। हम ये मैनुअल में सब कुछ वीडियो सेटिंग में भी, वीडियो मोड में भी कर सकते हैं। गाइज, सेकंड ऑप्शन है AF मेथड। ये ऑप्शन दोस्तों ऑटो फोकस के लिए यूज होगा। इसमें हमें तीन ऑप्शन दिखाई देंगे दोस्तों, फ्लेक्सी जोन, लाइव मोड और क्विक मोड। फ्लेक्सी जोन दोस्तों हम लाइव वीडियो में जब हम कैप्चर करेंगे वीडियो, उसमें हम ऑटो फोकस कर सकते हैं ये इस कैप्चर बटन के साथ में। बट दोस्तों यहाँ पे हमें वीडियो में फिर आवाज भी सुनाई देगी जो कि ऑटो फोकस की होगी इस लेंस के साथ। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये मैंने फ्लेक्सी जोन पे सेट कर लिया है कैमरा और मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ ऑन। तो ये रहा दोस्तों, ये देखो मैं यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर मैं ऑटो फोकस कर सकता हूँ बहुत ही आसानी से। तो फ्लेक्सी जोन का यूज इस तरीके से होगा। अब जो है दोस्तों सेकंड ऑप्शन जो है लाइव मोड। लाइव मोड में दोस्तों क्या होगा, हम चाहे हम कितना भी कोशिश कर ले सिर्फ सेंटर में ऑटो फोकस कर पाएंगे वीडियो में। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ दोस्तों, ये रहा। तो दोस्तों आप खुद देख सकते हो हम कहीं पे भी ऑटो फोकस नहीं कर पा रहे सिवाय सेंटर के। तो हमारा कैमरा जो है वो सिर्फ सेंटर में इस ऑप्शन के साथ ऑटो फोकस करेगा। तो गाइस, AF मेथड का यूज इस तरीके से होता है। गाइस, थर्ड जो ऑप्शन है वो है AF विद शटर बटन ड्यूरिंग वीडियो। दोस्तों इस ऑप्शन में हम यहां से जो मैं शटर बटन के साथ में ऑटो फोकस कर रहा था वीडियो में, वो हम ऑन ऑफ कर पाएंगे। यहां पे मैं अगर डिसेबल कर लेता हूं तो मैं वीडियो में ऑटो फोकस नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, तो मैं इसे इनेबल ही रखूंगा। गाइज, जो फोर्थ ऑप्शन है वो है शटर AE लॉक बटन और हाईलाइट टोन प्रायोरिटी, ये फिफ्थ ऑप्शन है। तो गाइज, इन दोनों ऑप्शन के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमने ये तीन ऑप्शन वो देख लिए। अब मैं यहाँ पे सिंपली राइट में जाता हूँ और यहाँ पे हमें और अलग से वीडियोज के ऑप्शन दिखाई देंगे। गाइज, सबसे पहला ऑप्शन है मूवी रिकॉर्डिंग साइज। गाइज, हम इस DSLR में फुल HD में 25 और 24 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और 720p पे 50 FPS और 480p पे 25 FPS पे भी कर सकते हैं। बट दोस्तों 720p में 50 FPS पे आप अगर इस DSLR में वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो आपको नॉइज दिखाई देगी। सो गाइज, फुल HD में सबसे बेस्ट होता है 1500D में वीडियो रिकॉर्ड करना। गाइज, दूसरा ऑप्शन है साउंड रिकॉर्डिंग। इसमें जाने के बाद दोस्तों हमें तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, ऑटो, मैनुअल और डिजेबल। ऑटो पे जाने के बाद दोस्तों हमारा DSLR वीडियो के हिसाब से साउंड कैप्चर करेगा। सब्जेक्ट पास होगा तो पास के हिसाब से वीडियो कैप्चर ऑडियो कैप्चर करेगा और दूर होगा तो दूरी के हिसाब से ऑडियो कैप्चर करेगा। मैनुअल पे दोस्तों हम यहाँ पे कुछ सेटिंग सेट कर सकते हैं और डिजेबल अगर हम कर देंगे तो गाइज हमारा DSLR वीडियो में कोई भी ऑप्शन ऑडियो कैप्चर नहीं करेगा। तो इसका यूज इस तरीके से होता है। तो मैं इसे अभी ऑटो पे ही सेट कर लेता हूँ। थर्ड ऑप्शन है मीटरिंग टाइमर। दोस्तों इस ऑप्शन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं इस ऑप्शन को इस वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सो मैं इस ऑप्शन के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों फोर्थ ऑप्शन है ग्रिड डिस्प्ले। हम डिस्प्ले में ग्रिड लगा सकते हैं दोस्तों इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों वीडियो स्नैपशॉट। दोस्तों हम यहाँ पे वीडियो स्नैपशॉट भी ले सकते हैं 2 सेकंड, 4 सेकंड या फिर 8 सेकंड की। गाइज, इसमें लास्ट ऑप्शन है वीडियो सिस्टम। दोस्तों हमेशा अपना वीडियो सिस्टम पैल पे ही सेट करना चाहिए। NTSC जो ऑप्शन है दोस्तों, ये आउट ऑफ इंडिया के लिए यूज होता है और आप इंडिया में हो तो हमेशा पैल पे ही सेट करके रखना।
गाइस अगर आप NTSC पे अपना वीडियो सिस्टम सेट करते हो तो आप देखोगे मूवी रिकॉर्डिंग साइज में यहाँ पे रिकॉर्डिंग 30 FPS पे भी आ जाएगी। बट दोस्तों यहाँ पे हमेशा वीडियो सिस्टम पैल पे ही सेट करके रखना चाहिए, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा दोस्तों। 25 FPS और 30 FPS में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अब गाइज मैं राइट साइड में फिर से ऑप्शन में जाऊंगा तो यहाँ पे हमें एक्सपोजर, उसके बाद ऑटो लाइटनिंग ऑप्टिमाइजर, कस्टम वाइट बैलेंस और पिक्चर स्टाइल दिखाई देंगे। तो मैं यहाँ पे आपको लाइव करके बताता हूँ। तो ये रहा दोस्तों हमारा सब्जेक्ट है सामने। तो दोस्तों इसमें भी कुछ सेटिंग्स है के बाद यहाँ पे हमें सिंपली क्यूब बटन प्रेस करना है। क्यूब बटन प्रेस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे अभी कुछ देर पहले देख के रखे हैं। ये जैसे कि फ्लेक्सी जोन रहा, लाइव मोड और क्विक मोड। दोस्तों यहाँ पे हमने जो ऑलरेडी ये ऑप्शन देखे हैं मैं आपको नहीं बताऊंगा, जो यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मैं वही ऑप्शन आपको बताता हूँ। तो गाइज यहाँ पे हमें जाना है चूज इमेज इफेक्ट्स में। उसके बाद यहाँ पे हमें बहुत से इफेक्ट दिखाई देंगे दोस्तों जो कि पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, न्यूट्रल। तो हमें यहाँ पे कस्टमाइज करना है तो मैं यहाँ पे एंटर हो जाऊंगा इस ऑप्शन में। तो गाइज यहाँ पे अगर आपको वीडियो शार्प चाहिए तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे शार्पनेस पूरी तरह से बढ़ा देना है। तो गाइज आप कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन और कलर टोन भी आपके हिसाब से सेट कर सकते हो। अगर आपको शार्पनेस वीडियो चाहिए तो आप शार्पनेस बढ़ा भी सकते हो। मैंने यहाँ पे पूरी तरह से शार्पनेस बढ़ा दिया है। तो गाइज यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है ISO। दोस्तों अगर आप इस DSLR में इंडोर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो मैं यही सजेस्ट करूंगा दोस्तों आप एक्सटर्नल लाइट्स बहुत से लगा लेना, क्योंकि अगर आप वीडियो में ISO ज्यादा बढ़ा दोगे तो दोस्तों आपके वीडियो में बहुत सी नॉइज आना शुरू हो जाएगी। और अगर आप आउटडोर दोस्तों वीडियो शूट करते हो तो आप 200 पे ही ISO रख सकते हो जो कि सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। गाइज अगर आपको एपर्चर और शटर स्पीड की सेटिंग देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहां से उस वीडियो से एपर्चर और शटर स्पीड दोनों की सेटिंग्स देख सकते हो। गाइज इस सेटिंग्स के मदद से आप बहुत अच्छे से वीडियो कैप्चर कर सकते हो कैनन EOS 1500D में। मैं आपको कुछ वीडियो सैंपल्स भी बता देता हूँ। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं जल्दी DSLR को लेकर एक नए वीडियो में आपको मिलता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।